इसीलिए मैंने बोला था कि जिसका बैठने का मन कर रहा है वो तो बैठा रहे हैं। होता क्या है क्योंकि मेरे साथ भी यही होता था कि मैं मैं अगर कहीं उस समय डूबने लगता था तो बाहर समय हो जाता था और उसकी घंटी बच जाती थी कि हो गया समय तो मैं ना चाहते हुए मुझे उठना पड़ जाता था उस चीज़ों से खींच के बाहर आना पड़ता था जहाँ मैं समाप्त होने की कितार पे था कई तो बार ऐसा हुआ तो वो चीज़ मैंने समझी इसलिए मैंने बोल दिया आपके साथ और एक दो और के साथ बोला था पहले <tries> तो ये था ना कि एक अनुष्ठान करना है दो करना है तीन करना है बैठ जा रहे हैं सब तीन तीन अनुष्ठान नजर आ रहे हैं तो अब तो ये है कि एक माला भी जो है जब जो है अब तो वो मज़ा ही नहीं आ रहा है कि अब क्योंकि तो माला भी नहीं जपी जा रही है अब तो हो गया उसमें यही है कि पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं उसको जहाँ तक किया है वहीं छोड़ के अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए क्योंकि अगर उसी से ही मुक्त हो गए होते हैं तो अभी आज हम यहाँ सब ना बैठे होते हैं तो कुछ आगे बढ़ने के लिए अगर कुछ प्रोसेस करना है तो पीछे छोड़ना पड़ेगा <laughs> तो देखने की जो घटना है ना ये देखने की घटना करते करते देखना घट जाता है तो जैसे लोग कहते हैं कि दृष्टा जागृत है वो जागृत होता नहीं है उन्होंने दृष्टा शब्द और उसके बारे में पढ़ लिया होता है और उसको यहाँ सेट कर लिया होता कि ऐसा होता है और माइंड इतना चालाक होता है उसको आपके साथ वैसा घटित करना शुरू कर देता है तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा दृष्टा जागृत हो गया लेकिन जो दृष्टा की घटना है वो बहुत बड़ी घटना है आप अगर कुछ भी काम कर रहे हैं तो आपको ये दिखेगा कि कोई और कर रहा है दिखेगा वास्तविकता में दिखेगा सिर्फ वैचारिक तौर पर नहीं आप बोल रहे हो तो आपको इतना आनंद आएगा इतनी हंसी के ठह के छूटेंगे कि आप देख रहे हो कि यार ये दो कैसे हो गए मैं ही था ये मैं बोल भी रहा हूँ मैं देख भी रहा हूँ पीछे खड़े होकर मेरे में कोई हलचल ही नहीं और लेकिन बोल भी रहा हूँ तो ये दृष्टा जागृत होता है तब ये हो जाता है तो सबसे पहला स्टेप तो दृष्टा जागृत होना है और उसको जगाने के लिए स्टेजेस यही हैं कि आप सबसे पहले सांसों पे ध्यान लगाइए और सिर्फ देखिए उसको उसी देखने में ही दृष्टा घट जाएगा और इसको अगर चौबीस घंटे करते रहें सोने से पहले भी लगातार करते 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 सो जाए तो सोते टाइम भी आपकी वो प्रोसेस चलती रहेगी और किसी किसी को तो सोते समय ही जागृत हो जाता है मैं नल खोल रहा था मेरे को नल खोलते खोलते जागृत हो गया था क्योंकि मैं 24 घंटे 48 घंटे जितना भी समय मिलता था बस उसी पर ध्यान लगाता था शुरू में तो करते करते मैं बाथरूम में था नल खोल रहा था नल खोलते खोलते मैं अलग हो गया बिल्कुल दो फाड़े हो गए एक तरीके से वो बड़ा अजीब सा था वो मोमेंट और उसके बाद जैसे विष्णु सेंटर है विष्णु सेंटर वही बुद्धा का सेंटर भी है जैसे विष्णु लेटे हुए हैं वैसे बुद्धा भी लेटे हुए हैं मेरी वही स्टेज आ गई मेरा पोस्चर वही बनने लगा मैं ऐसे ही करके बैठे रहने लगा और ऐसे लग रहा जैसे नीचे लहरें चल रही हैं चौबीस घंटे और वही पॉस्चर बस दिल्ली में उस समय रह रहा था तो जिन लोगों के साथ रहता था तो वो तो वह साधु को तो पागल कहते ही वो भी पागल कहते थे कि ये मुस्कुराता रहता है और ऐसे लेटा रहता है बस और वही पोजीशन रहती थी उस दिन मुझे पता चला कि कुंडलनी जब नीचे से उठ के उस सेंटर पे आती है तो उस जीव की उस प्राण की वैसी पोस्चर अपने आप बनना शुरू हो जाती है वही व्यवहार होना शुरू हो जाता है तो ये बताया किसी ने नहीं लेकिन इसके बाद की जो प्रोसेस हो रही थी जब मन समाप्त हुआ मैं समाप्त हुआ उसको कोई समझाने वाला नहीं था कि वो किसी के साथ घटा हो तो बताए अब अघोरियों के साथ रहो वो उनका अलग ड्रामा है ना किसी तांत्रिक के साथ रहो किसी ऐसे आश्रमों में रहो तो उनकी अलग अहंकार तो वो सब ने बिगाड़ने की कोशिश करी लेकिन तेज था तो वो बिगड़ा नहीं सत्य था तो बिगड़ा नहीं तो फिर अपने आप ही एक बार मैं किसी कॉल के पास था तो वो मैं उनके साथ बैठा हुआ तो उन्होंने कहा ठीक है आप दीक्षा देते हैं ठीक है तब तो वो मंत्र पढ़ने लगे तो उनका ये जो था ये सब सुनने में जाने लगा एकदम उनकी समाधि घटित होने लगी तो वो घबरा से गए कि उनको लगा कि मैं को प्रयोग कर रहा हूँ बैठे बैठे तो मेरे को देखने लगे तो कह रहे तुम तो दीक्षा क्यों लेने आए हो तुम तो पद में बैठे हुए हो मैंने कैसे कह रहे तुम्हारा तो ऊपर वाला है ही नहीं कहाँ तो हाँ, क्या दीक्षा दूँ और किसको बताऊँ यही सेम चीज़ एक उसके बाद में एक कपाल के पास था यही सेम चीज़ उसने गाली देके बोली कि भाग जा ऐसे करके और तू है ही नहीं तो किसको मैं बताऊँ और किसको सुनाऊँ उस उन दोनों ने जो वो चीज़ बोली उससे मुझे पिछला चार पाँच साल का जो प्रोसेस था कुंडलिनी जब जागृत हो जाती है उसके बाद सेटल भी होती है जब सेटल होती है वो प्रोसेस और ज़्यादा कष्टकारी रहता है कि उठने में तो वो कष्ट देती है देती है है ना सब तोड़ देगी सब बर्बाद कर देगी पुराना जितना भी है लेकिन जब वो सेटल होने में आती है तो बहुत सारी चीजें अंदर के बॉडी पार्ट्स भी कई बार खराब हो जाते हैं है ना पाचन जो शक्ति है वो खत्म हो जाती है आप एकदम नेचुरल हो जाते हो तो आप एकदम छुएम की तरह हो जाते हो बिल्कुल लड़कियों की तरह बिल्कुल बच्चों की तरह कि कोई भी वायरस अटैक आपको तुरंत लग जाएगा वैसा हो जाता है तो वो मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई तो उससे और ज़्यादा समझ में नहीं आया अच्छा इसमें क्या होता है कि अगर आप साधक नहीं हो और उस चीज़ को साधना के तौर पर नहीं ले रहे हो तो आप डॉक्टरों के पास जाओगे और मेडिसिन ऐसी ऐसी हैं कि आपको एकदम बदल देंगे जो चीज़ आपकी उठी वो सब बर्बाद कर देंगे मैंने ऐसे भी देखे हैं क्योंकि साइकोलॉजिस्ट के पास भेज दिया गया और उनको स्ट्रांग दवाई दे देके मेरा सब जितनी सब उठा हुआ था सब बर्बाद कर दी इसीलिए कि ऐसे गुरु की आवश्यकता है जिसके साथ वो घटा हो और उससे वो जूझा हो कि घटा भी है कि नहीं घटा है तो उसको बताया भी गया हो और उसने पुराना देखा हो तो जब उसने जांच लिया हो हर एंगल से कि हाँ ये घट चुका है उसके बाद फिर जब वो दूसरे को बताता है तो उसको वो छू लेता है वहाँ पर कि हाँ ये मेरे साथ हुआ है तो ये जानता है बंदा है और मेरा बस एक ही सबके साथ बैठने का सबके साथ शिविर में बुलाने का कि मैं वैसे किसी से नहीं मिलना पसंद करता हूँ सबके साथ मिलने का यही मकसद है कि सबको एक बार में वही चीज बता दी जाए सबको मैं अकेले अकेले बताऊँ है ना और सिर्फ एक चीज आप मान के चलिए कि जब तक आपका मन है तब तक ना तो ये शक्तियां खत्म होंगी न ये कोई गुरुबाजी चेलाबाजी ये संसार कुछ भी खत्म नहीं होगा मन को समाप्त होना होगा और उसका प्रोसेस यही है पहले ध्यान और ध्यान घटना अगर हो गया तो समाधि तो हो ही जाएगी ध्यान घटना ही बहुत बड़ी बात है जैसे अभी आपके साथ हो रहा था है ना राउंड मार रहे थे आप तो उसमें एकदम तो छोड़ते चले जाइए अपने आप जैसे आप कह रहे थे कि पूरा दिन निकल जाता तो बाहर से कोई भी बोल रहा है मैं भी बोल रहा हूँ मत सुनिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है है ना वो ज़्यादा खींच रहा है तो उस पर जाने दीजिए है ना रोने का मन हो रहा है आंसू निकल रहे हैं चीखने का मन कर रहा है वहीं गिर पड़ने का मन कर रहा है जो हो रहा है अपने स्वभाव से उसको होने दीजिए तो अभी हम लोग तीव्र ध्यान की प्रयोग करेंगे है ना तो उसमें ये रहेगा कि सभी लोग कि रोकना नहीं अपने आप को हम लोग अपने आप को रोकने लगते हैं ठीक है तो प्रोसेस वही है कुंडलिनी का ही प्रोसेस है अलग अलग तरीकों से तो उसमें जब अंदर से कोई भी उदगार बाहर आए रोने का मन करे चीखने का मन करे हंसने का मन करे उछलने का मन करे गिर जाने का मन करे वो सब करना है